विष्णु के अवतार, ब्रज के कान्हा, कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश, द्वारकाधीश या वासुदेव, कितने ही नामों से पुकारते हैं हम अपने नंदलाल कृष्ण को। कृष्ण जगत में समाये हैं और जगत कृष्ण में। निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ और दैवीय संपदाओं से सज्ज, विश्व को हर तरह की परिस्थिति में उचित राह दिखाने वाले हैं कृष्ण। लेकिन ब्रजमंडल में भाव कुछ अलग है। इस पुण्य धरा पर जगत को मार्ग दिखाने वाले कृष्ण को मार्ग दिखाती हैं राधा। इसलिए ब्रज में कृष्ण से पूर्व राधा का नाम सुमेरा उच्चारा जाता है। ब्रज में कृष्ण जैसे आज भी कहते हैं, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। कृष्ण जन्मे थे द्वापर युग में, विष्णु के आठवें अवतार नटखट कान्हा के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे कृष्ण। युगावतार कृष्ण, वसुदेव और देवकी की आठवीं संतान कृष्ण, देवकी कंस की बहन, कंस मथुरा का अत्याचारी राजा। आकाशवाणी हुई कि देवकी की आठवीं संतान उसका वध करेगी। भयभीत कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। उसी कारागार में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्मे थे कृष्ण। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार कर गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बालक कान्हा ने छोटी उम्र में ही दिखा दिया कि विष्णु का अवतार हो चुका है। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शक्टासुर, तृणावर्त आदि राक्षसों को यमलोक पहुंचाया। बाद में गोकुल छोड़कर कृष्ण नंदगांव आ गए। वहां पर भी कई अनूठी लीलाएं रचाई गिरधर ने। गोचारण लीला, गोवर्धन लीला आदि को देख गांव वालों ने जान लिया कि कृष्ण ही हैं जो ब्रजमंडल का उद्धार करेंगे। वृंदावन की रज आज भी राधा और कृष्ण के चरणों के स्पर्श से दिव्यता समेटे हुए है। ब्रजवासी इस रज को माथे से लगाकर धन्यता का अनुभव करते हैं। किशोरावस्था में कृष्ण ने मथुरा जाकर अंततः आततायी कंस का वध किया और ब्रजभूमि को उस अत्याचारी के दमन से मुक्ति दिलाई। महाभारत के युद्ध में द्वारकाधीश अर्जुन के सारथी की भूमिका में थे। उन्होंने तो लाख प्रयत्न किए थे कि महाभारत को टाला जा सके, लेकिन होनी होकर रही और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। कृष्ण के समकालीन माने जाने वाले महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत जैसे महाकाव्य की रचना की, जिसमें उन्होंने कृष्ण के चरित्र का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को इस मायावी जगत का दर्शन कराया, जीवन से जुड़े सभी आयामों का सार समझाया। गीता भारत ही नहीं पूरे विश्व में लोकप्रिय है। गीता में ही लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा काम है कर्म करना उसके फलों की चिंता किए बिना। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ कृष्ण हो उसकी हार का, उसके असफल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अपने भक्तों की पुकार पर भगवान दौड़े चले आते हैं। धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी ने चीरहरण के समय भाव में भरकर जब कृष्ण को पुकारा, तो कृष्ण ने अभी तत्क्षण वहां पहुंचकर द्रौपदी की लाज बचाई। गिरिवरधारी की लीला अनूठी है और जब जब इस धरा पर अधर्म बढ़ता है तब तब आने का उन्होंने वचन दिया हुआ है। इसलिए इंसान को जब लगे कि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तब कृष्ण का स्मरण मात्र सारे कोहरे को छांटकर राह दिखाता है। जय श्री कृष्ण।